आधा किलो करेले ले लिए हैं एकदम ताज़े। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। एक बर्तन में पानी ले लेंगे और इसमें 2 टीस्पून नमक डालेंगे। एक चम्मच की हेल्प से इसको चला देंगे ताकि इसमें नमक थोड़ा अच्छे से घुल जाए। ये देखिए नमक अच्छे से घुल गया। अब नमक वाला पानी तैयार है। अब हम करेलों को पीसेस में कट कर लेंगे। इसका ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग इस तरीके से कट कर देंगे और इसको इस तरीके से गोल गोल काट देंगे। इसी तरीके से सारे करेले काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सारे करेले कट के तैयार हैं। अब हम इसको इसी तरीके से आधे घंटे तक नमक के पानी में भीगा रहने देंगे। जब तक हमने करेले पानी में भिगोए हैं तब तक हम ऑनियन चॉप कर लेते हैं और बाकी मसालों की तैयारी कर लेते हैं। एक बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर लेंगे, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, एक छोटा चम्मच नमक लेंगे, 2 छोटे चम्मच पिसी खटाई लेंगे। फ्रेंड्स इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और जाएगा लेकिन मैं रेसिपी में आगे बताऊंगी, इसलिए रेसिपी पूरी देखिएगा। फ्रेंड्स हमने ऑनियन को भी चॉप कर लिया है। आधा किलो करेले लिए थे उसमें हमने 400 ग्राम प्याज डाली है। एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। करेलों को भीगते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम करेले बनाना शुरू करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे। ऑनियन को इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा भूनेंगे जिससे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। गैस की फ्लेम को फुल पर ही रखेंगे और ऑनियन को सॉफ्ट होने तक भूनते रहेंगे। ऑनियन थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें करेले डालेंगे।
गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर लेंगे। अब इसको चलाएंगे। अब हमने जो मसाले लिए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले सॉल्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ का पाउडर, पिसी खटाई। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई की लिड को अब बंद कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं करेले सॉफ्ट होने लगे हैं, कलर एकदम चेंज हो गया है। इसको इसी तरीके से चलाकर और ढककर थोड़ी देर तक और पकाएंगे, जब तक प्याज और करेले एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते। ये देखिए फ्रेंड्स, करेले और प्याज एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे, वो अब इसमें हम ऐड करेंगे। दो छोटे चम्मच शुगर लेंगे और वो इसमें ऐड करेंगे। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। लिड को बंद कर देंगे, शुगर को मेल्ट होने देंगे और फ्लेम को एकदम लो पर ही रखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि शुगर मेल्ट हो चुकी है। हम इसको मीडियम फ्लेम कर भूनेंगे। इस तरीके से करेले बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपका बच्चा करेले नहीं खाता है तो आप इस तरीके से बना के देखिए। इसमें करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं, एकदम खट्टे मीठे लगते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फ्लेम को हाई पे कर लेंगे और करेलों को अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक वो ड्राई नहीं हो जाते, क्योंकि शुगर मेल्ट होकर थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। करेले बनने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, करेले अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब इसको हम एक डिश में सर्व कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म करेले बनकर तैयार है। इस डिश को अपने घर पर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए।